जर्नल कंटिन्यूड, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन द इनकम ऑफ द बिजनेस ओनर, ऑफ द बिजनेस ओनर, ऑफ द बिजनेस ओनर। इनकम टैक्स मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी इनकम जनरेट हुई वो इवेंचुअली जाएगी तो ओनर के पास ही, तो टैक्स वही पे करेगा। जो कंपनीज पे करते हैं उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉर्पोरेट टैक्स। टैक्स इज पेड बाय द कंपनीज, इनकम टैक्स इज पेड बाय इंडिविजुअल्स। इट मे बी ऑन देयर बिजनेस इनकम और सैलरी इनकम और एनी टाइप ऑफ इनकम। इनकम टैक्स की जर्नल एंट्री आपके हिसाब से क्या होती है? व्हाइट ड्रॉइंग्स। अभी प्रोप्राइटर करेक्ट। तो डिस्कस कर चुके हैं हम एक बार पहले, अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी ये बात आ चुकी है, बट गुड। इनकम टैक्स इज अ पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ बिजनेस एक्सपेंस। तो जब इनकम टैक्स पे करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू, टैक्सेस आर पेड थ्रू बैंक, टैक्सेस आर पेड थ्रू बैंक। कैश का ऑप्शन नहीं होता, बट मतलब टू बी ऑन द सेफ साइड आपको क्या करना चाहिए? बैंक अकाउंट स्लैश कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट स्लैश कैश अकाउंट। अगर आपके स्कूल में ये चीज डिस्कस हुई है कि टैक्सेस एंड इंश्योरेंस आर टू बी पेड थ्रू बैंक ओनली, तो बैंक ही करना, क्योंकि टेक्निकली दे आर पेड थ्रू बैंक ओनली। बट अगर ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई तो जनरल रूल क्या कहता है कि जब तक चेक मेंशन ना हो तो कैश के थ्रू ट्रांजैक्शन करनी है। तो सेफेस्ट क्या रहता है? या तो आपके उस पॉइंट पर डिस्कशन हो रखी हो स्कूल में, क्योंकि 11th में स्कूल वालों के हिसाब से चलना है, बट इन रियल लाइफ और इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड्स, टैक्सेस एंड इंश्योरेंस आर ऑलवेज पेड थ्रू बैंक। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट है। मेन जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इनकम टैक्स टू बैंक अगर हम कर देंगे सर तो वो सही है क्या? नहीं, गलत है, जीरो मिलेंगे। क्यों? पर्सनल एक्सपेंस है, ड्रॉइंग्स में एडजस्ट होगा। तो ड्रॉइंग्स डेबिट क्यों हुआ? पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर, इट विल लीड टू रिडक्शन इन कैपिटल। बैंक बैलेंस मतलब बैंक क्रेडिट क्यों हुआ? पेमेंट बिजनेस अकाउंट से हुई है, ये इम्प्लाइड है, क्योंकि डाउट आ सकता है कि सर जब उसका पर्सनल अकाउंट है तो वो अपनी जेब से पे करेगा, बिजनेस का बैंक बैलेंस क्यों अफेक्ट हो रहा है? तो ये इम्प्लाइड होता है कि मनी ऑफ द बिजनेस मस्ट हैव बीन यूज्ड। ओके, अगर लिखा होता पेड इनकम टैक्स फ्रॉम पर्सनल सेविंग्स अकाउंट तो बुक्स में एंट्री ही नहीं होती, तो बुक्स में एंट्री ही नहीं होती, क्योंकि फिर तो ओनर ने अपना पर्सनल एक्सपेंस अपने पर्सनल फंड्स में से मीट करा, तो उसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर से लिखा हुआ ना पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, तो इट इज इम्प्लाइड दैट द मनी ऑफ द बिजनेस हैज बीन यूज्ड। तो एंट्री क्या है? ड्रॉइंग्स टू कैश और बैंक।